हेलो फ्रेंड्स, मैं संजो। आज मैं आपके लिए राखी बनाकर लाई हूँ जो आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं 3 कलर में मैं बनाई हूँ राखी। बहुत ही सुंदर है, इसकी साइज भी बहुत ही अच्छी आएगी आपको। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इस तरह से साइज, देखिए कढ़ाई में बहुत ही अच्छी आ रही है। और ये मैं धागे से मैं बनाई हूँ, एम्ब्रॉयडरी धागे से बनाएंगी तब आपका राखी बहुत ही अच्छी बनेगी। देखिए इसके लिए मैं ब्लू कलर के मैं धागे ली हूँ और 2 एम की मैं क्रोशिया यूज कर रही हूँ। देखिए मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन बनाऊँगी सर्कल की तरह शेप बनाने के बाद। अरे ये सर्कल में मैं क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से दोबारा मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया मैं बना ली हूँ। सेम इसी तरह से पूरी 12 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करूँगी इसी तरह से बनाते हुए। और फ्रेंड्स, बहुत सारे राखी मैं बनाई हूँ, इसकी वीडियो में बनाकर यूट्यूब में मैं अपने चैनल में डाल रखी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा इस चैनल में। बहुत सारे राखी के डिज़ाइन है, शायद उसमें से कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद आएगी तो आप उसे ट्राई कर सकती हैं। आप एक बार ज़रूर देखिएगा। इसी तरह से मैं बनाते हुए 12 डबल क्रोशिया बनाकर मैं कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं 12 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद ये धागे को मैं पकड़ के इस तरह से खींच दूँगी जिससे कि हॉल नहीं दिखेगी, हॉल बंद हो जाएगी बीच में। और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करूँगी, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में 2 चेन बनाई थी उसी में क्रोशिया डालते हुए स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से सर्कल की तरह शेप बन गई है। इसके बाद यहाँ पे 1 चेन बनाकर धागे को मैं कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से ये शेप बन गई है सर्कल की तरह। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया चैन में नहीं डालूँगी क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया होती है, 2 डबल क्रोशिया के बीच में मैं क्रोशिया डालूँगी। और ये देखिए जरी वाले धागे हैं और ये जरी से मैं डिजाइन बनाऊंगी, जैसे कि बीच में चैन की तरह डिजाइन बनी हुई है। और नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया के बीच में मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से स्लिप स्टिच जैसे कि ज्वाइन करते हैं सेम उसी तरह से बनाते हुए निकालूंगी। देखिए इस तरह से, इसके बाद सेम उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया के बीच में मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए निकालूंगी। इस तरह से बनाऊंगी तो मैं चैन की तरह रे डिजाइन बनेगी। देखिए इस तरह से, इसी तरह से बनाते हुए पूरी राउंड में कंप्लीट करूंगी। जैसे कि देखिए इसमें बनी हुई है चैन की तरह डिजाइन, वही डिजाइन में बना रही हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी राखी की डिजाइन है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आप अगर लाइक करती हैं तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे काम करने में इंटरेस्ट आती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिए इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी राउंड कंप्लीट करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी राउंड कंप्लीट हो गई है। लास्ट में मैं यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट करूँगी, देखिएगा, जैसे कि बैक साइड से मैं क्रोशिया डालूँगी जहाँ से मैं स्टार्ट की थी यहाँ पे। देखिए इस तरह से, और ये जो धागा है बैक साइड से मैं बाहर निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से, और 1 चेन बनाकर यहाँ पे धागे को मैं कट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बन गई है। बाकी जो बैक साइड से धागे हैं उसको मैं अच्छे से फिनिशिंग करके कट कर लूँगी। इसके बाद में देखिए यहाँ एक चेन में मैं क्रोशिया डालूँगी, जैसे कि मैं डबल क्रोशिया के बीच में जरी से मैं डिजाइन बनाई हूँ। अब मैं चेन में मैं क्रोशिया डालूँगी और ये पिंक कलर का मैं धागे को मैं ज्वाइन करूँगी। ये पिंक कलर के धागे हैं,
इसी धागे से मैं राखी बनाती हूँ। ये धागे से बहुत ही अच्छी राखी बनेगी आपकी। तो फ्रेंड्स आप इसी से बनाइएगा राखी, ऊन से नहीं बनाइएगा। देखिए इस तरह से धागे को मैं ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे वन चैन बना लूँगी और सेम इसी जगह पे मैं कुर्सी डालूँगी और हाफ डबल कुर्सी बनाऊँगी। कुर्सी पर धागा लेते हुए वन बार निकालूँगी, इसे हाफ डबल कुर्सी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं थ्री चैन बनाई हूँ और हाफ डबल कुर्सी की जो धागे दिख रही है इसमें मैं कुर्सी डालूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करूँगी। दोबारा सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूँगी और हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैन में क्रोशिया डालूँगी और हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके बाद थ्री चैन, देखिए इस तरह से, और यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी, स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करूँगी। जैसे कि हाफ डबल क्रोशिया की जो टू धागे दिखती है उसमें मैं स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूँगी, हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके बाद नेक्स्ट चैन में क्रोशिया डालूँगी और सेम इसी तरह से पैटर्न बनाऊँगी। तो देखिए टू पैटर्न बन गई है। सेम इसी तरह से पूरे राउंड में बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। सेम इसी को रिपीट करते हुए कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे चैन बनाते हुए डोरी बना लूँगी। देखिए ज्वाइंट हो गई है। इसके बाद यहाँ पे मैं चैन बनाते हुए डोरी बना लूँगी। आप चाहे तो ब्लू कलर से भी डोरी बना सकती हैं या फिर पिंक से भी बना सकती हैं। तो मैं पिंक से ही चैन की बनाते हुए मैं डोरी बना लूँगी। आपको जितनी लंबी डोरी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं चैन बनाते हुए मैं डोरी कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं धागे को कट कर लूँगी और सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैं बना लूँगी, दोनों साइड से, दोनों पैटर्न के बीच में। देखिए इस सीधा इसके सीधा यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करके डोरी बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं डोरी बना ली हूँ। इसके बाद मैं मोती डालूँगी दोनों साइड में, जैसे कि राखी में मैं मोती डाली हूँ और बीच में वन मोती चिपका लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मोती और डाल रखी हूँ मैं और वन स्टोन भी चिपका ली हूँ। राखी कंप्लीट हो गई है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। देखिए इस तरह से कलाई में आएगी। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहती हैं प्लीज़ आप कमेंट करके भी बता सकती हैं। थैंक यू।